में उन चुने हुए वेद मंत्रों और स्तुतियों का उच्चारण कर रहा हूं जो प्रत्येक भारतीय और व्यक्ति के घर में प्रातः यह गुंजन होना ही चाहिए। सबसे पहले मैं गणपति को स्मरण कर रहा हूं जिससे कि भगवान गणपति हमारे जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता और अनुकूलता प्रदान करें। ओम सुमुखश्चैकनन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्वृणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यप्रेक्षणादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे दीर्घमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्कृतस्ते साङ्पराजय येषामिन्दी वर्ष्यामो हृदयस्थोऽपि जनार्दन अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां मध्यस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरि सदैव लग्नम् सुदम् तदैव ताराबलम् चन्द्रबलम् तदैव विद्याबलम् देवबलम् तदैव लक्ष्मीपते तैङ्गुजुगुस्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीति मतिर्मम सर्वेष्वां लब्धकार्येषु त्रयस्त्रीं भुवनेश्वरा देवादिसन्धुना सिद्धिं ब्रह्मेशानजनार्दन वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसुमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिद त्वां विघ्नसत्त्वदलनेति च सुन्दरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वर प्रदेति विद्याप्रदे त्वगहरेति चेस्तुवन्तिम् तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव अनयाम पूजयाम सांगायेश परिवाराय सावधायेश शक्तिकाय महागणपति मम गृहे सुख शांति सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धि त्वाम पूर्णत्वं समर्पयामि नमः। एक अन्य गणपति स्तोत्र प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुकामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठिन्नर न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरो प्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपते स्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च
लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्यां भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणपति प्रीतामह। अब मैं आपको शांति पाठ, जो कि हमारे जीवन का अत्यंत आवश्यक है, उसका वेद ध्वनि के साथ उच्चारण कर रहा हूं। ओम आसो शिशानो रसभो नाभीमो गणाङ्गनाख्यो भाणश्चारे खाणी नाम शंकरं दानो निघाए कवीरा सद्गो सेना अजयत साकमिन्द्र शंकरं दानेना निमिखे न जिष्णुना जुत्कारे न रुचियावाने न दृष्णुना राजिंदरे न जायता तत्सहध्वंजोधो नारा एको वस्ते न वृष्णा सा एको वस्ते सानिखंगी बिर्वासी सघो सृष्टा सायुधा इंद्रो गणेन सगो सृष्टा जित्सो मापा बाहु सर्दुग्रा धन्नवा प्रतिहिता भेदस्ता बृहस्पते पारिजीया रथे नक्षो हा मित्रां आपबा दमानः प्रभञ्जन् सेनाः प्रमेणो जुधा जायन्नस्मा कामेद्यविता रथा नाम बाला विघ्ना यस्था वीरः प्रवीरः सहस्वान् बाजी सहम न उग्रः अभिवीरो अभिषद्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथम तिष्ठा गोवित गोत्राभिदङ्गोविदम् वज्रबाहुं जायन् तामजम प्रणन्तानोजसा इमघ्नौ सजाता अनुवि राजद्वामिन्द्रघ्नौ सखायो अनुसघ्नौ राभद्वम् अभिगोत्राणि सहसागा अमानो दायो वीरः सतमन्योरिन्द्रः दुच्यवानाः प्रतना खाडायुध्योऽस्मा कगुंसेन आवात प्रायत्सु इंद्र आसन्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा जगनाः पुरा एतु सोमः देवसेनामभिभञ्जति नाञ्जयन्ति नाम ऋतो जन्तवग्रम् इन्द्रस्य वृष्णौ वारुणस्य राग् न आदित्या नामरुताघ्नौ सर्दा उग्रम् महामनसाम् भुवन च्यवानाङ्गोखो देवा नाञ्जायत मुदस्थात्त उद्धारेखाया मघवन्नायुधा नुसत्वा नाम्मामका नाम्मनाघ्नुषि उद्वत्रहन्नवाजिनां वाजिना निद्रथानाञ्जायत जन्तु गोखाः अस्माकमिन्द्राः सम्रते क्रुद्धा जिह्वश्मा कञ्जा इखावस्ता जयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तस्मादेवा अवता अवेखु अमीकाञ्चित्तं प्रातिलो मायन्ति ग्रहाणाङ्गा निव्ये परेः अभिप्रेहि निरसुसो गैरन्देन मित्रास्तमसा सचन्ताम् अवसृष्टा परा पता सर्वे ब्रह्मा सघोंसिते गच्छान् मित्रान् प्रापाद स्वामा मीखां कञ्चनोच्छिखः प्रेता जायता नार इन्द्रो वाहसं मा गच्छतु उग्रा वाहसं तु वा हवो न
दक्षा जथा सथा असौ जाशेना मारुतः परेखाम व्ययति न ओजसस् प्रधमाना तांगुहत तमसा पब्रथे न जथा मियन्यो वन्यन्न जा नन्म जत्रवाणाः संपतन्ति कुमाराभिशिखा इव तन्न इन्द्रौ बृहस्पतिरदितिशं माजच्छतु विश्वाः सर्वं माजच्छतु मम माणिते ब्रह्मणा छादया मिशोमस्त्वा राजा म्रते नानुमस्तम् उरोर्वरीयो वरुणस्ते तेनौ तुजन् तन्तवानुदेवा मदन्तु। यह शांति पाठ है और इस शांति पाठ का नित्य घर में एक बार तो प्रातःकाल होना ही चाहिए, जिससे कि घर अपने आप में पवित्र और दिव्य बन सके।